आपका पहला सवाल है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। आपका दूसरा सवाल है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यक्षगान। आपका अगला सवाल है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिज भूमिका। आपका अगला सवाल है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ख्याल। आपका अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरंदर दास। आपका अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। आपका अगला सवाल है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। आपका अगला सवाल है, राग देश किस प्रहर गाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रात्रि के द्वितीय प्रहर में। आपका अगला सवाल है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तो कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दरबारी। आपका अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। आपका अगला सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी की क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शास्त्रीय संगीत। आपका अगला सवाल है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुपद। आपका अगला सवाल है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस घराना से। आपका अगला सवाल है, उमाकांत और रमाकांत गुंदेजा बंधु क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुपद गायिका।